इस बार गांव में महाशिवरात्रि का पंडित मैं ही चुना जाऊंगा, पर हमारे पास धन और धान्य दोनों होगा। इतने वर्ष से तो कुछ हुआ नहीं, आप व्यर्थ ही आस लगा के बैठे हुए हैं। इतने वर्ष ना सही, किंतु इस वर्ष ये अवश्य होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ। ओम नमः शिवाय। महादेव, आपके ये भक्त सुदामा कब से निस्वार्थ भाव से आपकी भक्ति में लीन है, आप इनका दुख हर क्यों नहीं लेते? ये कितने कष्ट में है और आपको स्मरण भी कर रहा है। गौरी, स्मरण तो हमें कोई और भी कर रहा है। प्रतीत होता है हमें पृथ्वी पर जाना ही होगा, किंतु महादेव, श्री कृष्ण के इस महाशिवरात्रि उत्सव में हम जाएंगे कैसे? चिंता मत करो गौरी, लीलाधर श्री कृष्ण है ना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमें पृथ्वी पर बुलाने के लिए कोई ना कोई नई लीला अवश्य रचेंगे। क्या हुआ? अब इसे मुंह उतार के क्यों आए? इस वर्ष भी गांव में महापंडित मुझे नहीं, किसी और को चुन लिया गया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अगर श्री कृष्ण से आपको भिक्षा मांगने में लज्जा आती है तो जाओ, जाकर उनसे कोई काम ही मांग लो। महाशिवरात्रि की पूजा तो द्वारका में भी होती होगी, अनेकों पंडित आते होंगे वहां, आप वहां जाके कोई काम क्यों नहीं मांग लेते? उचित कहा, भिक्षा नहीं तो काम मांगने में कैसी लाज, मैं अवश्य जाऊंगा, कोई ना कोई कार्य मिल जाएगा। तुम एक काम करो, तुरंत मेरी गठरी बांध दो। लेकिन सका के घर पहली बार खाली हाथ कैसे जाऊंगा मैं? अब हमारे पास और है भी क्या, अब उपहार कहां से लाऊं? जो भी है दे दो। कठिन समय के लिए मैंने एक मुट्ठी चावल बचा के रखे। हाँ हाँ, वही दे दो, मैं उपहार स्वरूप मेरे मित्र कृष्ण को दे दूंगा। आपको तो राधा को पूजा के लिए आमंत्रित करना चाहिए और आप एक ऐसे काम सौंप रहे हैं। रुक्मिणी, पूजा में तो राधा आएगी ही ना, मैं तो इतने महान उत्सव में भोजन बनाने का जो इतना महत्वपूर्ण कार्य है ना, वो केवल और केवल राधा को सौंपना चाहता हूँ। दाऊ, भोजन तो मैं बना दूंगी, किंतु राजकुल की पूजा में नहीं आ सकती। किंतु क्यों राधा? रुक्मिणी, मैंने प्रण लिया है ना कि मैं राजसी सुख नहीं भोगूंगी, मैं रसोइयों और साधारण प्रजा की पूजा में भाग ले सकती हूँ, किंतु द्वारकाधीश की पूजा में नहीं। राधा, मेरी कितनी इच्छा थी कि तुम मेरे और कृष्ण के विवाह में आओ, वहां तो तुम नहीं आई, किंतु महादेव और पार्वती के विवाह के इतने बड़े पर्व पर, जब महादेव पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे, तो यहां भी तुम नहीं आओगी, क्यों? रुक्मिणी, विवाह तो अपने आप में एक पवित्र बंधन है ना, किंतु महाशिवरात्रि महादेव और पार्वती के अनंत के प्रतीक्षित प्रेम मिलन का पर्व है। फिर वही राधा, तुम हर बात को अपने ही दृष्टिकोण से क्यों देखती हो? यदि विवाह है तो प्रेम तो है ही ना? नहीं रुक्मिणी, बहुत से विवाह ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रेम नहीं होता, मात्र बंधन बनकर ही रह जाते हैं। महादेव और पार्वती का पवित्र प्रेम जो अनेक जन्मों में, अनेक अवतारों में, अनेक रूपों में, अनेक संकटों में, अनेक संग्रामों में अटल और अटूट रहा है, वो आत्मा का संबंध है, और उसी आत्मा के संबंध का, उस परिशुद्ध प्रेम का उत्सव है ये महाशिवरात्रि।
पार्वती ने शिव जी के लिए जो तप किए हैं वो संसार का पहला महातप कहलाया है। वो प्रेम ही था रुक्मिणी जिसकी शक्ति से पार्वती ऐसा कर पाई। और इसी प्रेम का अंतिम गंतव्य विवाह है और इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। जहाँ कोई गंतव्य नहीं होता वहीं प्रेम होता है, इसलिए ये प्रेम का पर्व है। राधा राधा, तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ से तो परे, मैं बस यहाँ तुम्हें आमंत्रित करने आई थी जो मैंने कर दिया। आशा है कि तुम आओगी। निश्चिंत रहिए दाऊ, भोजन का कार्य मैं संभाल लूंगी। ये हो क्या रहा है? इन दोनों ने तो मुझे ही असमंजस में डाल दिया। अब तो समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्व है किसका, विवाह का या प्रेम का। कान्हा, कान्हा कहाँ हो तुम? कान्हा, कान्हा, कान्हा कहाँ हो? कहाँ हो तुम? कान्हा, तो कान्हा को ढूंढ रहे हो? वो तो यहाँ नहीं है। यही हूँ, कितना चिल्ला रहे हो, रुक जाइए, मैं बस थोड़ा आनंद ले रहा था। बताओ क्या काम है? कान्हा, ये राधा और रुक्मिणी, इन दोनों के मध्य चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। वहां रुक्मिणी कहती है कि ये महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव है, और दूसरी ओर राधा कहती है कि नहीं, ये उत्सव प्रभु महादेव और माता पार्वती के प्रेम का, उनकी तपस्या का है। अब मुझे ये बताओ कि ये सुनिश्चित भला कैसे किया जाए कि ये उत्सव है किसका? कौन बताएगा मुझे ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महादेव और पार्वती की ये कथा है, उनका उत्सव है, वही बता सकेंगे। अर्थात स्वयं महादेव और माता पार्वती आ रहे हैं या नहीं? वो नहीं आ सकते, आ भी सकते, मुझे इसका कोई अनुमान है नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं कर रहे हो तुम। देखो, महादेव के इतने बड़े भक्त से तो तुम ये नहीं छुपा सकते। चलो अब ये दुष्टता छोड़ो और बताओ अपने दाऊ को, आ रहे ना कान्हा? कान्हा आ रहे ना? कह दो कि आ रहे, आ रहे। अरे हाँ, एक क्षण, एक क्षण, ये ढूंढ करने की क्या आवश्यकता है? वो आएंगे, पता चल जाएगा ना आपको। अभी आप जाइए और प्रबंध कीजिए। अरे कौन सा प्रबंध करूं? क्या प्रबंध? पहले ये तो बताओ कि वो जो महापंडित तुम्हारे आने वाले हैं, जो द्वारका से नहीं है, द्वारका के बाहर से आने वाले, वो कब आने वाले और आएंगे कैसे? तुम्हें क्या लगता है, द्वारका को ढूंढना इतना आसान है? यदि इतना आसान होता ना कान्हा, तो वो जरासंध अब तक यहां होता, वहां होता। द्वारका में आना इतना सरल है क्या? कैसे आएंगे? आप ना प्रतीक्षा नहीं, केवल प्रश्न करते हैं। यहां से आगे जाने का तो मार्ग ही नहीं मिल रहा। सभी लोगों ने मुझे कहा था कि द्वारका ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती, और यह भी कहा था कि द्वारका तक पहुंचना संभव नहीं है। किंतु मैंने तो सोचा था कि मैं द्वारका तक अवश्य पहुंच जाऊंगा, किंतु अब आगे मैं क्या करूं? क्या कृष्ण के सखा को उसे बिना मिले ही लौटना होगा? नहीं मित्र सुदामा, तुम्हारी मंशा निश्चल है और भाव प्रेम से पूर्ण, इसलिए तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने स्वयं तुम्हारे और मेरे आराध्य आएंगे। क्यों है न महादेव? जो आज्ञा प्रभु। सत्य कहा था महादेव आपने, अंततः श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। युगों से युगों युगों तक, युगों युगों से युगों युगों तक।
महादेव, यहाँ तो सच में द्वारका जाने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा। तो आप अपने भक्त सुदामा को द्वारका तक कैसे ले जाएंगे? देखती जाओ गौरी, आओ। सुनिए महोदय, मुझे द्वारका जाना है, क्या आप द्वारका जाने का मार्ग जानते हैं? नहीं भाई, मार्ग तो नहीं जानते, परंतु जाना हमें भी द्वारिका ही। आप भी? आपके वहां जाने का क्या प्रयोजन है? भाई हमने सुना है कि द्वारिका में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं तो महादेव में इतनी रुचि नहीं लेता, परंतु ये मेरी प्राण प्यारी पत्नी जो है, ये भगवान महादेव से बहुत प्रेम करती है। अब इसीलिए हम लोग उसी पर्व में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। आइए साथ ही चले। परंतु द्वारका जाने का मार्ग है कहां से? हे प्राण प्यारी पत्नी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाशिवरात्रि के उस पर्व में सम्मिलित होने का तुम्हारा जो स्वप्न है वो धरा का धरा रह जाएगा। चलो घर वापस चलते। चलिए। रुकिए। हाँ भाई, आपकी इतनी इच्छा थी कि आप महाशिवरात्रि के उत्सव में जाने की, तो आप वापस कैसे जा सकते हैं? मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, वो मेरी अवश्य ही सुनेंगे। अच्छा, करके देख लो। महादेव, ये दोनों महाशिवरात्रि के पावन उत्सव में जाने की इच्छा रखते हैं। मैं आपका भक्त सुदामा अपने सखा से और उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आतुर हूं। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो आप ही मुझे राह दिखाइए महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे सुनो भाई, प्रतीत होता है यहाँ द्वारका जाने का कोई मार्ग है, खोजना पड़ेगा, तनिक आके सहायता करो ना। आओ तुम यहाँ देखो, मैं उधर देखता हूँ। आई यहाँ। हाँ दे। हाँ, कुछ मिला क्या? हाँ, इस पेड़ के पीछे मार्ग है। चमत्कार हो गया, अद्भुत। महादेव ने मेरी सुन ली, हमें मार्ग मिल गया महादेव। ये चमत्कार महादेव का नहीं, ये तो तुम्हारी भक्ति का चमत्कार है। एक क्षण के लिए लगा था कि मुझे यहीं रुकना होगा, कदाचित लौटना होगा, किंतु अब मैं अपने सखा से मिल सकता हूँ। अब जब महादेव मार्ग दिखा रहे हो तो ना कोई रुक सकता है, ना कोई पुनः लौट कर जा सकता है। द्वारका पति को ये जाकर बता दो, किधर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है, घर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है, घर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा।